नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारत ने LACP की गतिरोध वाले 18 जगहों की पहचान, चीन से एक एक कर होगी बात। उत्तर प्रदेश, अयोध्या हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हुई पूरी, जल समाधि लेने का ऐलान करने वाले महंत परमहंस हाउस अरेस्ट। राजस्थान, DSP और महिला कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, स्विमिंग पूल का वीडियो सामने आने के बाद चल रहे थे सस्पेंड। दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी थाने में तोड़फोड़ और पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोप में 53 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। हरियाणा, सोहना में 500 एकड़ में बनेगा EMC क्लस्टर, केंद्र सरकार ने 331 करोड़ रुपए किए मंजूर। दिल्ली मेरठ मार्ग, कॉलेज की लड़कियों के फोन आ रहे थे अश्लील वीडियो और फोटो, एक छात्रा हॉस्टल से निष्कासित। दिल्ली में नाबालिग अपराधियों को बड़ी राहत, एक साल से अधिक समय से पेंडिंग केस समाप्त करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली में सितंबर में केवल 5 लोगों ने गवाई जान, अब तक 25,087 लोगों की हुई मौत। धान की खरीद 10 दिन टालने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। उत्तराखंड, जानिए PM नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा पहाड़ का पानी और जवानी दोनों काम आया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।